हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनी लैब सर्जन, एक बार फिर से आपके सामने हैं। आज हम बात करेंगे महिलाओं में जन्मजात पाई जाने वाली खराबी के बारे में, यानी कि मुलेरियन अनोमलीज के बारे में। मुलेरियन अनोमलीज बच्चेदानी की बनावट से संबंधित बीमारी है, जो कि जब बच्चा गर्भ में डेवलप हो रहा होता है, बन रहा होता है, तब ही बनावटी खराबी के कारण बच्चेदानी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब बच्चेदानी बनती है किसी भी बच्चे के शरीर में, तो देर इज टू ट्यूब्स, दो नलियां होती, दोनों नलियों के जुड़ने से एक बच्चेदानी बनती है। बट कभी कभी इन दोनों बच्चेदानी की ट्यूब्स को जुड़ने में कहीं पे कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे कि अपन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोल सकते हैं, जिसके कारण एक नॉर्मल बच्चेदानी ना बनकर दो बच्चेदानी बन जाना, एक बच्चेदानी बन जाना, या फिर ऊपर से दो और नीचे से एक बच्चेदानी बन जाना, इस तरीके की कई समस्याएं आ सकती हैं। और ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो कॉमन कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं उसमें सबसे कॉमन है कि दोनों बच्चेदानी की जो ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल नहीं जुड़ती और दो बच्चेदानी बिल्कुल अलग होती हैं। यानी कि दो बच्चेदानी के मुंह और नीचे से बच्चेदानी का जो रास्ता यानी वजाइना होती है वो भी दो हो जाती है, यानी कि सेपरेट वजाइना हो सकती है। दूसरा ये होता है कि नीचे से तो बच्चेदानी का रास्ता, बच्चेदानी का मुंह तक तो सही डेवलप हुआ है, लेकिन ऊपर की दोनों ट्यूब्स जुड़ी नहीं है, यानी कि उसको यूट्राइन डाइडेल्फिस बोला जाता है। तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चेदानी के दोनों जो ट्यूब्स हैं वो जुड़ गई हैं, जो मुलेरियन डक्ट्स हैं वो जुड़ गई हैं, बट बीच में जो उनका जो पर्दा यानी कि जो सेपरेशन वॉल थी जो खत्म हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, अपने आप घुल जाती है, वो नहीं घुलती है और बाहर से बच्चेदानी एक दिखती है और अंदर से उसके अंदर एक सेप्टम होता है, पर्दा होता है, जिसे हम बच्चेदानी के पर्दे के नाम से या यूट्राइन सेप्टम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा जुड़ जाती है ऊपर से, दो बच्चेदानी अलग दिखेंगे और बीच में छोटा सा पर्दा भी हो सकता है, तो इसे बाइकॉर्नुएट यूट्रस या डाइडेल्फिस यूट्रस विद सेप्टम एक डायग्नोसिस ये भी बन जाता है। इस तरीके से कई तरीके के एक खराबियां हो सकती है और इन सब खराबियों का एक सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम सामने आता है कि वो ये होता है कि बच्चा ना लगे, या बच्चा लगे तो जल्दी खराब हो जाए, या महीने के समय पर दर्द हो जाए। एक जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है कि बच्चेदानी बनती ही नहीं है, जिसे यूट्रस एब्सेंट हो जाता है और नीचे बच्चेदानी का रास्ता भी नहीं बनता है। कई बार बच्चेदानी बन जाती है लेकिन नीचे का रास्ता नहीं बनता, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होते हैं वो नहीं बन पाते हैं, इंटरकोर्स नहीं कर पाता है, क्योंकि वजाइना नहीं बनी होती है, इसे वजाइनल एजेनेसिस के नाम से जानते हैं। कई बार एक तरफ की बच्चेदानी और एक तरफ की वजाइना बन जाती है और एक तरफ की जो बच्चेदानी वो नीचे रास्ते से नहीं जुड़ती है, तो वहां पे जो महीने का खून उस बच्चेदानी के हिस्से के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है। इसे ब्लाइंड यूट्रस या नॉन कम्युनिकेटिंग हॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। कई बार बच्चेदानी का जो पर्दा नीचे तक एक्सटेंड करता है लेकिन वो ओब्लीक होता है, तो एक तरफ से तो महीने का खून जा रहा है और एक तरफ से अंदर पेट के अंदर इकट्ठा हो रहा है, तो ये भी एक तरह की समस्या हो सकती है। अब तक इन समस्याओं का बहुत ज्यादा इलाज अवेलेबल नहीं था, बट आज के समय में दूरबीन के द्वारा इन सभी समस्याओं का आराम से समस्या का पता लगाया जा सकता है और आराम से इनका इलाज भी किया जा सकता है। जो सबसे कॉमन आज हम बात करेंगे कि जैसे अगर वजाइनल एजेनेसिस है, यानी कि अगर बच्चेदानी का रास्ता नीचे से नहीं बना है, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चेदानी भी नहीं है और बच्चेदानी का रास्ता भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इंटरकोर्स नहीं हो पाएगा और बच्चा यूट्रस नहीं होने के कारण बच्चा भी नहीं लग पाएगा। अब इस स्थिति में मम्मी पापा को काफी डिप्रेशन होता है कि इनके बच्चे में इस तरीके की समस्या क्रिएट हो गई है और अब इसका क्या इलाज संभव है। लेकिन दूरबीन के द्वारा इसका भी इलाज संभव है, और इसमें अब तक जो प्लास्टिक सर्जन करते आ रहे थे वो ये करते थे कि जैसे बच्चेदानी की रास्ते की जो वजाइना की जो जगह है, यानी ब्लैडर और रेक्टम, पेशाब की थैली और लैट्रिन की थैली के बीच की जो जगह है, वहां पे स्पेस क्रिएट करके और जांघ के ऊपरी हिस्से की चमड़ी निकालकर, यानी कि थाई का स्किन लेकर उस जगह के वहां पे फिक्स कर दिया जाता था ताकि एक रास्ता बन जाए। लेकिन इस स्थिति में मरीज को 7 दिन तक खाली पेट रखा जाता था, हिलने भी नहीं दिया जाता था और काफी दर्द भी होता था और जांघ के ऊपर एक बहुत बड़ा निशान भी बन जाता था कि जहां से स्किन हटा ली जाती थी।
और इसमें कई बार ग्राफ्ट रिजेक्शन के संभावना होती थी, तो ये सर्जरी फेल भी हो सकती थी। कई बार ग्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, तो रास्ता जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पाता था। और इसके अलावा जो जांघ की स्किन होती है उसके ऊपर कई बार बाल वगैरह या उसका कलर भी आ जाता है। तो ये कई तरीके की समस्याएं इस प्रोसीजर के साथ एसोसिएटेड हैं, जिसको मैकेंडॉय ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। बट आजकल एक नया प्रोसीजर आया है जिसे दूरबीन से परफॉर्म किया जाता है, जिसको लेप्रोस्कोपिक पेरिटोनियल पुल थ्रू मेथड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर दूरबीन, पेट के अंदर दूरबीन डालकर अंदर से ही नया रास्ता क्रिएट किया जाता है, जिसे ब्लैडर और बावल के बीच में डिसेक्शन किया जाता है और एक नया स्पेस क्रिएट किया जाता है। और जो स्पेस क्रिएट किया जाता है उसको अंदर की जो लाइनिंग होती है, अंदर की जो पतली झिल्ली वाली जो पेरिटोनियम होती है, उसी को मोबिलाइज करके अंदर की तरफ से ही उस जो रास्ता हमने बनाया, जो वजाइना हमने बनाई, उसको लेयर्ड किया जाता है, उसको कवर कर दिया जाता ताकि वापस से वो रास्ता बंद ना हो, चिपके ना। ये पेरिटोनियल मोबिलाइजेशन से जो कवर करके जो रास्ता बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म होता है। इसमें वजाइना की लेंथ काफी अच्छी मिलती है, इसमें जांघ के किसी हिस्से की कोई चमड़ी नहीं ली जाती, तो बाहर किसी तरीके का दर्द, चीरा या निशान नहीं आता है। और इस रास्ते को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा दिनों तक जो मोल्ड या इंसर्ट रास्ते के अंदर रखा जाता था, ताकि भाई रास्ता चिपके ना, सिकुड़े ना, उतना ही बना रहे, वो काफी कम समय तक, 7 से 10 दिन तक रखना पड़ता है। और उसके बाद में हफ्ते में 1-2 बार डालना पड़ता है, जिससे कि लड़की को परेशानियां काफी कम होती है और 1-1.5 महीने के बाद ही सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम की जा सकती है बहुत जल्दी और बहुत आराम से। तो ये एक दर्द रहित प्रक्रिया है, सर्जरी है, जिससे बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी है और बहुत ही आसानी से रिजल्ट मिल सकते हैं। और आजकल तो यूट्राइन ट्रांसप्लांट भी अवेलेबल है, तो अगर ऐसी महिला कोई मां बनना चाहती है तो यूट्राइन ट्रांसप्लांट की सुविधा भी आज अपने भारत में उपलब्ध है और बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट इसके मिले हैं। अभी तक 2 बच्चे यूट्राइन ट्रांसप्लांट से हो चुके हैं और इंडिया के अंदर ही हुए हैं, तो बहुत अच्छी उम्मीद है। और हमें निराश होने की जरूरत नहीं कि अगर वजाइनल एजेनेसिस जैसी समस्या भी अगर हमारे बच्चों में है तो उसका भी इलाज है। और अगर कोई महिला यूट्राइन ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकती है तो वो सरोगेसी के थ्रू भी मदर बन सकती है, क्योंकि इसमें इन महिलाओं में बच्चेदानी तो नहीं होती बट अंडेदानी जरूर होती है। तो अंडेदानी से अंडा रिकवर करके और टेस्ट ट्यूब बेबी बनाकर किसी महिला के गर्भ के अंदर उसे प्रत्यारोपित किया जा सकता है, जिससे कि इसे सरोगेसी टेक्निक के नाम से जानते हैं। और बच्चा जेनेटिक रूप से उसी कपल का होता है बट वो फिजिकली किसी और यूट्रस के अंदर या किसी और बच्चेदानी के अंदर बढ़ रहा होता है। तो इस तरीके से वजाइनल एजेनेसिस की सर्जरी कराकर इंटरकोर्स किया जा सकता है और सेक्सुअल एम्प्लेसमेंट लिया जा सकता है, और साथ में ही सरोगेसी टेक्निक से बच्चा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं समझती हूँ कि जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी और आगे भी आप इसे अपने नियर डियर फ्रेंड से जरूर शेयर करेंगे। और आगे भी हमारे जयपुर दूरबीन के यूट्यूब चैनल पर हम इस तरीके की और भी जानकारियां उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।